इस पर बहुत ईरान के लोगों ने सीधे तौर पर अमेरिका पर ही निशाना साधा था कासिम सुलेमानी की मौत के बाद। और अगर देखा जाए जो वहाँ की फोर्स है, जिसे कुर्द फोर्स भी कहा जाता है, जिस तरह से फंडिंग की बात की जाती है, चाहे ईरान जिस तरह से हिजबुल्ला को समर्थन करता आया है, हिजबुल्ला को फंडिंग की बात हो, वो भी कासिम सुलेमानी ही पूरा सब कुछ देखा करते थे। तो कासिम सुलेमानी का एक बड़ा कद था ईरान में और ईरान की पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा रोल रहा करता था और एक बड़ा चेहरा माना जाता रहा है कासिम सुलेमानी का ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद। लेकिन 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी और आज कासिम सुलेमानी की इस बरसी पर ही बड़ी संख्या में कासिम सुलेमानी के समर्थक इकट्ठा हुए थे, जहां पर ये बम धमाका हुआ है और 73 लोगों की मौत हुई है, 170 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चंदन जी बिल्कुल, और ऐसे में जबकि मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, इस इलाके में पहले से काफी ज्यादा अस्थिरता चल रही है। एक और इसराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है जिसमें ईरान का नाम सीधे सीधे सामने आता रहा है और अब ईरान में जो यह धमाका हुआ है जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है, निश्चित तौर पर इसका आगे भी असर देखने को मिल सकता है। विशाल, अगर बात की जाए, क्या अभी तक किसी को किसी संगठन ने क्लेम किया है या किसी संगठन को ब्लेम किया गया है, किसी के ऊपर आरोप लगाया गया है ईरान की तरफ से? क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान में कुछ भी होता है तो वहां इसराइल को लपेटे में जरूर लिया जाता है।